देश के बहुत ही मेहनती और होनहार टीचर्स, मैंने इस कोरोना के विपत्ति काल में टीचर्स जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, ऐसे टीचर्स के लिए पहले भी मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें मैंने ये स्ट्रेस, चिंता और तनाव टीचर्स कैसे कम कर सकते हैं, इससे कैसे दूर रह सकते हैं, खुद को और परिवार को कैसे इस कोरोना काल में भी लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते भी सर्वाइव करने लायक बना सकते हैं, ऐसी कुछ बातें मैंने उन वीडियोस में की थी, जिनको बहुत से टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया, बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स मुझे मेरे उन वीडियोस पे मिले। ऐसे ही पॉजिटिव के साथ कुछ इस प्रकार के रिमार्क्स भी मिले, जिसमें टीचर्स ने ये बताया कि उनके स्कूल में आर्थिक शोषण किया जा रहा है। मींस बहुत कम सैलरी दी जा रही है, जितनी सैलरी वो डिजर्व करते हैं उससे बहुत कम सैलरी पे उन्हें हायर किया जाता है, पहली बात। और इस कोरोना काल में तो और भी समस्या है, क्योंकि उतनी भी सैलरी नहीं मिल रही है। तो कुछ टीचर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इन विषय पर भी बात करूं, कि जो टीचर्स को उनकी प्रतिभा के मुताबिक सैलरी, वेतन, तनख्वाह नहीं मिल पाता, इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मुझे उम्मीद है इस कहानी को सुनने के बाद आपको वास्तव में इस चीज का एहसास हो जाएगा कि अगर हमें कम वेतन मिलता है, हम कम सैलरी पे कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, जिम्मेदारी किसकी है, और कैसे उस चीज में सुधार किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक ऐसा ही मायूस, निराश, हताश, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया। भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर उसने विनती की कि हे प्रभु, मैं इस दुनिया से निराश हो चुका हूं, कोई भी मेरी कदर नहीं करता, सब मुझे दुत्कारते हैं, मुझे लगता है कि जैसा व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए वैसा व्यवहार लोग नहीं करते, मेरे काम का पूरा मोल भी नहीं देते, मुझे पूरा वेतन नहीं मिलता जितना मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, मैं इस दुनिया से परेशान हो चुका हूं, यहां तक कि मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, तो आप तो भगवान हैं, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने आप को इस मनस्थिति से बाहर निकालूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उनके पास एक झोला था, उन्होंने उसमें हाथ डालकर एक पत्थर सा निकालकर, चमकदार पत्थर, उस व्यक्ति के हाथ में दिया और बोला कि जाओ, इस पत्थर का मोल अलग अलग व्यवसाय के लोगों से पता करके आओ, पर एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है किसी को, चाहे कोई भी इसका कितना भी मोल लगाए, तुम इस पत्थर को किसी को भी बेचोगे नहीं, अपनी समझ का इस्तेमाल करो और छोटे से लेके बड़े अलग अलग
व्यवसाय के लोगों से इस पत्थर का मोल पता करके आओ। वो व्यक्ति ने सोचा, मैं तो पहले से परेशान था, प्रभु ने मुझे और परेशानी में डाल दिया, अब मैं जगह जगह दर दर भटकूं और इसका मोल पता करूं, पर चलो कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा कर लेते हैं। वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, उसने बोला, भैया मेरे पास एक ये पत्थर है, क्या आप इसका मोल बता सकते हैं मुझे? सब्जी वाले ने पत्थर को हाथ में पकड़ा, देखा मेरे पास 200 ग्राम का एक पत्थर कम है जिसे मैं भार तोलता हूँ, तो ये पत्थर भी लगभग उतना ही भार का है। तो उसने बोला, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसके बदले में 2 किलो मूली या 1 किलो गोभी या 2 किलो आलू या प्याज दे सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। व्यक्ति ने बोला, नहीं 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 भैया, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मुझे केवल इसका मोल पता करना था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसका मोल बताया मुझे। फिर वो व्यक्ति एक किराने की दुकान पर पहुंचा, उस दुकान के मालिक से उसने पूछा, आप मेरे पास एक पत्थर है, क्या आप मुझे इस पत्थर का मोल बता सकते हैं? उस दुकानदार ने हाथ में पत्थर जब लिया तो उसे लगा कि कुछ अच्छी किस्म का पत्थर लगता है, आमतौर पर ऐसे पत्थर देखने को नहीं मिलते, और मेरे बच्चे को ऐसी चीजें इकट्ठी करने का शौक है, तो उसने वो पत्थर लेके बोला कि अपने बेटे के लिए मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी पसंद की चीज है, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 बोरी चावल दे दूंगा या 1 बोरी चीनी दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। वो व्यक्ति हैरान हुआ, कहां 2 किलो आलू मूली वगैरह मिल रहे थे और कहां 1 बोरी चीनी या चावल मिल रहे हैं, इसका मतलब पत्थर में कुछ खासियत है। उसने बोला, नहीं नहीं भैया, मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस मोल पता करना था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। तो उसने सोचा, मैं किसी सुनार के पास चलता हूँ, क्योंकि पत्थर है शायद कीमती पत्थर हो, क्या पता वो इसका मोल बताए। तो वो उस पत्थर को लेकर सुनार के पास पहुंचा, सुनार से उसने बोला, भैया मेरे पास एक पत्थर है, क्या आप इसका मोल मुझे बताएंगे? सुनार ने जैसे ही पत्थर हाथ में लिया तो उसे लगा कि यह पत्थर कीमती है। अब बहुत अच्छे से पहचान तो उसे भी नहीं थी, मगर इतना उसे अवश्य लगा कि पत्थर की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, तो उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 लाख रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर अभी के अभी मुझे दे जाओ। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि वो पत्थर जिसकी कीमत 2 किलो मूली आलू या 1 बोरी चावल और चीनी लग रही थी, उसके लिए ये सुनार 1 लाख रुपए देने को तैयार है। तो यकीनन इस पत्थर में बहुत ही बड़ी खासियत है। तो उसने सुनार से पूछा कि इस पत्थर की सही से पहचान कौन कर सकता है, कृपया मुझे उस व्यक्ति का पता बताओ ताकि मैं वहां जाकर इसका मोल पता कर सकूं। सुनार ने बोला, ये रतन है, इसकी पहचान जौहरी कर सकता है, तो तुम मेरी पहचान के एक जौहरी है उसके पास जाओ और वहां जाकर इसका मोल पता करो। तो वो व्यक्ति खुशी खुशी पता लेकर उस जौहरी के पास पहुंचा और जाकर बोला, भाई साहब ये एक पत्थर मेरे पास है, क्या आप इसका मोल बता देंगे? उस जौहरी ने जैसे ही वो पत्थर हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा तो वो एकदम हैरान हो गया और खुशी से नाचने लग गया कि इतना कीमती अनमोल रत्न मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा, तुम इसका मोल पूछने आए हो, ये रत्न अनमोल है, मैं अपनी सारी की सारी जायदाद, अपने सारे रत्न गहने जेवर सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसका मोल नहीं चुका पाऊंगा, इसका मोल इतना ज्यादा है। तो वो व्यक्ति जो मोल पता करने गया था उसकी आंखों में आंसू आ गए, एकदम से भागा भागा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर गया और आंखों से लगातार अश्रुओं की धारा बहने लगी और बोला, प्रभु मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते थे,
आपने ये पत्थर देकर मुझे क्यों भेजा, मुझे समझ आ गया। जैसे इस पत्थर का मोल सब्जी वाले ने अपने हिसाब से लगाया, किराने वाले ने अपने हिसाब से लगाया, एक सुनार ने अपने हिसाब से लगाया, पर इसका असली मोल एक जौहरी ही पहचान सकता था। वैसे ही मुझे लगता है कि आज तक मैं उस जौहरी तक पहुंचा ही नहीं जो मेरा मोल पहचान सके। कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर ही थी कि मैं आज तक सब्जी वालों और किराने वालों में ही भटकता रहा, ना किसी सुनार के पास पहुंचा, ना किसी जौहरी के पास पहुंचा। तो आज से मेरी तलाश शुरू होती है, मुझे खोजना है उस सुनार को और उस जौहरी को जो मेरा वास्तविक मोल पहचान सके और जो वाकई में मेरी, मेरे कर्म की, मेरी कला की कदर कर सके। तो ऐसा ही कुछ हम टीचर्स के साथ भी होता है। इन्हीं कारणों के चलते हम उन स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता इतना कि वो ज्यादा सैलरी अफोर्ड कर सकें। यकीन मानिए, हर स्कूल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके रिसोर्सेज ही उतने होते हैं, उनका फी स्ट्रक्चर भी लगभग उसी हिसाब का होता है। मगर जो स्कूल्स वेल टू डू हैं, जिनका पेरेंट बेस अच्छा है, जिनका फी स्ट्रक्चर हाई है, वो डेफिनेटली उसी अनुपात में सैलरी भी पे कर सकते हैं। मगर याद रखिए, वो स्कूल उन सुनार और उन जौहरियों की तरह हैं जिन्हें कीमती पत्थर चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि आप भी एक कीमती पत्थर हैं, माने आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आपका मोल इन स्कूलों में पहचाना जा सकता है, तो फिर जिस लेवल पर आप हैं उससे ऊपर उठिए। जिन स्कूल्स में आपका शोषण हो रहा है, हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा उनकी मजबूरी हो, वो इससे ज्यादा दे ही ना सकते हो, तो आप उसे ऊपर के लेवल के स्कूल्स में ट्राई कीजिए। अपने शहर में ना सही, बाहर के शहर में ट्राई कीजिए। अगर आप मेरी बात करें तो एज ए प्रिंसिपल मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरे घर से, मेरे गृह नगर से, पठानकोट से 1350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में पडरौना नाम का एक शहर है, वहां जाकर हुई थी। मुझे अपना घर बार छोड़कर 1350 किलोमीटर दूर जाना पड़ा अपने लिए वो जौहरी खोजने के लिए जो मेरा और मेरे टैलेंट का सही मोल लगा सके। और वहां से जो शुरुआत मैंने की, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे अपने ऊपर विश्वास था, अपना मोल पहले मुझे खुद पता था, फिर उसके हिसाब से मैंने जौहरी तलाश किए और आज नतीजा ये है कि बिल्कुल लगभग गृहनगर के पास ही बहुत अच्छे वेतन पर मैं CBSE एफिलिएटेड स्कूल में एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूं। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर निकलिए, खोजिए उन जौहरियों को जो आपका मोल पहचान सकते हैं। अपना आर्थिक शोषण मत होने दीजिए। और अगर विश्वास की कमी है या आपके अंदर ऐसी प्रतिभा नहीं है कि आप उन जौहरियों की नजरों में मूल्यवान साबित हो पाए, तो अपने अंदर वो प्रतिभा, वो स्किल्स, वो टैलेंट पैदा कीजिए। अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपग्रेड कीजिए। आज की दुनिया में इंटरनेट क्रांति के समय कोविड क्राइसिस ने हम सबको इस काबिल बना दिया है कि हम अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं और अपना लेवल बहुत ऊंचा उठा सकते हैं।
मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अपना लेवल इतना ऊंचा उठा लीजिए कि आपको जल्दी से जल्दी कोई अच्छे सुनार और अच्छे जौहरी मिले जो आपको हाथों हाथ लें, और शोषण की बजाय आपको आपके टैलेंट, आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपकी काबिलियत के अनुसार अच्छा वेतन दें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।